अस्सलाम वालेकुम जी। आज पुरजोश तरीके से नानो घर जाने की तैयारियां हो रही हैं। भाई नानो घर जाने का किसको नहीं मजा आता, सबको ही मजा आता है। और एक जो एक्साइटमेंट होती है अपने कजन्स के साथ मिलकर खेलने की, और टीटू पार्टियां जो करते हैं ना हम लोग मिलजुल के सारे कजन्स, वो उसका बहुत ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि ड्रेसेस पड़े हुए हैं, अभी सिलेक्शन हो रही है यहाँ पर ड्रेसेस की कि कौन सा पहन के जाएं या इनमें से कौन सा लेकर जाएं, या सेम कलर ना हो जाए, कुछ इस तरह का ना हो जाए ना। कोई कंपटीशन भी होता है भाई कि हम ही प्यारे लगे हैं वहां पर, अपनी नानो घर अगर हम जाएं तो सब हमें देखेंगे और सब बोले माशाल्लाह वाह, इनाया का ड्रेस तो बहुत प्यारा है। ड्रेसेस के सिलेक्शन के बाद जी हम लोग पहुंच चुके हैं वॉशरूम में। भाई ज्यादा दिन रहना है तो इस वजह से कुछ अपनी पर्सनल चीजें भी लेकर जानी बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये जो आदिल है वो अपनी मम्मा का ब्रश और अपना और इनाया आपी का ब्रश लेकर जा रहा है, और इसके साथ साथ जो छोटी छोटी चीजें उनकी जरूरत की हैं वो उन्होंने अपने पास रखी हैं, और वो अपना पर्सनल बैग रेडी कर रहे हैं सारे बच्चे, और यहीं पर ये सारे बच्चे मेरे पास जमा हो गए हैं। टूथपेस्ट नहीं लेके जानी, सिर्फ सिर्फ ब्रशेस लेके जाना है इसमें। चलो दिखाओ क्या क्या पैक किया आपने। बस टूथब्रशेस, ब्रशेस वगैरह जो है वो पैक कर लिए हैं। अभी इसके बाद जो है एक और चीज ये मुझे दिखा रहे थे, और ये बहुत ज्यादा पुरानी है, मतलब कि ये जब मेरे माँ जी और बाबा जी गए थे ना हज पर तो तब ये लेकर आए थे, तो मैंने तो यूज ही नहीं किया, वैसे के वैसा नया पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो अब बच्चे यूज कर लें। और वैसे भी हमारे घर में यह है कि शेयरिंग बहुत ज्यादा, हम सारे एक दूसरे की चीजें यूज करते हैं, इवन पेन भी लेते हैं, ड्रेसेस जूते एक दूसरे के, मेकअप होगी, ज्वेलरी होगी, हर एक चीज हम एक दूसरे की शेयर करते हैं और बड़े खुश होकर पहनते हैं। हम कोई नखरे नुखरे नहीं करते कि जी हमने नहीं पहनी, ये उसकी चीज है ये या इसकी चीज है, इस तरह नहीं है बिल्कुल भी हमारे। तो इसी तरह सेम जो हैबिट है, जो बड़ों की हैबिट्स हैं वो ही बच्चों के अंदर डिवेलप होती हैं, बच्चे देख के सीखते हैं। अगर हम लोग नखरे नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं ये भी मिलजुल कर रहते हैं। और इस तरह होता है कि इनाया जो है ना, जो उसके बहुत प्यारे प्रिंसेस टाइप जो ड्रेसेस हैं, उसके फ्रॉक होगी, बारबी फ्रॉक, इस तरह के ड्रेसेस जो है ना वो इनाया संभाल कर रखती है अपने के। ये मेरे बाद जो है वो अबीहा और मिरहा पहनेगी, वो बहुत प्यार करती है अबीहा मिरहा के साथ। मिरहा जो है ना वो हमारे घर का वो शरारती बच्चा है जी, जो किसी के पास नहीं आता बल्कि नखरे कर करके दिखाता है और शर्मा के दिखाता है। और हम लोग उसे पता कैसे अपने पास बुलाते हैं, कोई भी लेस पकड़ ली या कोई कैंडी पकड़ ली, इस तरह से कोई भी कैंडी वगैरह पकड़ के उसे अपने पास बुला के ढेर सारी पारियां करते हैं। इस तरह से वो हमारे पास आती है, वैसे तो वो आती नहीं है, हमारे पास खेलती रहती है, बच्चों के साथ खुश रहती है, और बड़ों के साथ थोड़ा कहती होती है कि नहीं मुझे छोड़ो, फ्रीक रहने दो, मैंने जो करना है अपनी मर्जी से करना है। लेमन येलो कलर में जो आप लोग टी शर्ट देख रहे थे वो बहुत प्यारी बनी हुई है, उसके ऊपर भी एक डोल टाइप बनी हुई है गुड़िया, और वो वैसे भी अट्रैक्ट करती है, शर्ट पहनी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती है, डिफरेंट डिजाइन है, स्टाइल्स हैं। हम लोग जो ड्रेसेस लेते हैं वो अक्सर यही होता है कि हम लोग उसका स्टाइल चेक कर रहे होते हैं और फैब्रिक की क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं, बाकी प्राइस आप लोगों को पता है वो तो वेरी करती है। अगर आप लोग मार्केट देख लें या मॉल्स वगैरह देख लें तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों में, आप लोग घूम फिर के भी चीज ले लें तो अच्छी बात है। कपड़ों के साथ जूते यहाँ पर अपने अपने सिलेक्ट हो रहे थे, और वो अपने अपने जूते ढूंढ रहे थे, और जिसमें से आदिल को अपना फैंसी जूता मिल ही नहीं रहा था। क्या कर रही हो अभी? हाँ टॉयज के साथ खेल रही हो, क्या कर रही हो फिर? हाँ? अच्छा, और वो चुटकी पता नहीं क्या कर रही है। क्या सैंडल पहन के गए थे? मिर्हा मिर्हा ये सेल कहाँ से लिया? ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो सेल, थैंक यू। इसको पता नहीं चीजें खोलने और बंद करना किसने सिखाई है, जो जिसने भी सिखाई है ना वो मुझे मिल जाए सही, बस एक बार इसको हर चीज खोलनी आ गई। इवन ये फ्रिज भी खोल लेती है और उसके अंदर से जो इसका दिल चाहता है पकड़ के खाना शुरू कर देती है, कभी खुली छोड़ जाती है, कभी बंद भी कर देती है। इस वजह से मैं इसे बहुत ज्यादा डांटती भी हूँ, लेकिन यह है कि मुझे इस पर बहुत प्यार आता है, डांटने को दिल ही नहीं करता, इतनी माशाल्लाह क्यूट है ये बच्ची। तो ये इस टाइम जो है ना ये अपने पापा का बॉक्स नीचे लेकर गई हुई थी जिसमें आलमंड्स थे, तो इसने ये पकड़े हुए थे, कहती मुझे भी दो, मैंने एक दो दे भी दिए, फिर भी मतलब के वहां पे ना इसने खाना नहीं होता, इधर उधर बिखेरनी होती है चीजें। फिर मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं आप रख के आओ, तो फिर ये खुद आई है, इसने खुद ही खोला और रख के चली गई। इसको ये भी पता था कि इस जगह पे पड़ी है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये बॉक्स कहाँ पड़ा हुआ है ना, इसका मतलब कि हाफजा
अच्छा है कि इसे चीजों का पता है, ये चीज यहाँ से मैंने उठाई है और यहीं पर ही वापस रखनी है। उसके बाद हम लोग छत पर आ गए। आज का मौसम जो है ना वो फुल गर्मी वाला है, थोड़े बादल आए हुए हैं, लग रहा है कि बारिश होगी, अल्लाह करे बारिश हो जाए, लेकिन कोई सूरत हाल तो नहीं है। वैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप अच्छी खासी निकली हुई है। ऊपर जाने का ये वजह ये थी कि जो पैकिंग की हुई है हम लोगों ने, उसके लिए बैग लेना था, वो स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। ऊपर से स्टोर रूम से एक बैग लेके आए हैं, उसमें जो तह लगे हुए कपड़े पड़े थे वो इनाया आदिल अपने अपने सेपरेट करके दे रहे हैं, और उसमें से उन्होंने जो ड्रेस बाई निकाला है वो कौन से कलर का पहनना है, तो वो सिलेक्शन मैंने की थी। मैंने कहा था कि एक जैसे मैचिंग पहन के जाएं, मम्मा भी मैचिंग करे, बेबीज भी मैचिंग करे, तो ये इनके जो बाहर वाले ड्रेसेस पड़े हुए हैं ना, ये वाले इन्होंने पहन के जाने हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं बस थोड़ा सा है कि किसी का कलर लाइट है, किसी का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि थोड़े मिलजुल जाएंगे, पता चल जाएगा कि सेम कलर पहना हुआ। और अभी तक बाबा का कोई पता नहीं था कि उन्होंने कौन सा कलर पहनना है, वैसे उनका भी यही सेम ब्लू कलर था लेकिन नहीं पहना। और यहाँ पर जिस सबसे मुश्किल तरीन मरहला आ चुका है वो ये है कि जब आप लोगों के ड्रेसेस और जूते सेलेक्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद जी एंड पे ज्वेलरी सेलेक्ट करनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और इतनी ज्यादा वैरायटी में समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सी वाली पहने, किसके साथ कौन सी चीज सूट करेगी, या फिर पहन के देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये रहने जा रहे थे नया आदिल वगैरह ने रहना था नानू घर, तो इस वजह से उन्हें साथ भी लेकर जानी थी अपनी ज्वेलरी, और जो जो ड्रेसेस रखे थे उनके साथ कलर मैचिंग हो रहे हैं, और वो सेपरेट हम लोग, मैं ही नया की हेल्प कर रही हूँ, मैं सेपरेट कर रही हूँ, साथ साथ जो है ना वो बाजी निकाल के दे रही है, वो अपनी चीजें भी सेपरेट कर रही है। जो जो लेके जाना उन्होंने, उन्होंने कुछ खास नहीं लिया, बैंगल्स का एक सेट है और बैंगल्स के सेट के साथ जो है वो एक इयररिंग की जोड़ी है, बस इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिया। और ये मेकअप शेकअप तो बिल्कुल नहीं अप्लाई करती है, वो बहुत कम यूज करती है, इस तरह की चीजें यूज नहीं करती। मेरे जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं कि जब इनाया आदिल तैयार हो गए थे, तैयार होने से पहले और तैयार होने के बाद की इनकी मैंने वीडियोज अपलोड की थी, और उसके बाद ही इन्होंने अपना अपना बैग पहना दोनों ने और बाहर को निकले हैं, और अल्लाह हाफिज बोला है सबको। जब भी ये जाते हैं ना तो घर में एकदम ना सन्नाटा सा हो जाता है, हालांकि छोटियां दोनों हैं लेकिन फिर भी इनका यही होता है कि जब भी इन्होंने जाना होता है, ये बड़े हैं ना थोड़े, इन्हीं के साथ तो उन्होंने भी खेलना होता है, तो फिर वो भी बेचारी बोर होती हैं और बार बार पूछ रही होती हैं कि आदि भाई कब आएंगे, नया भी कब आएंगे, और वीडियो कॉल पर बार बार बात हो रही होती है। इस तरह से जी हमारी हैप्पी सी फैमिली है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।